उनके परिवारों को जो आश्रित हैं, पोस्टमार्टम आने के बाद हम 4-4 लाख रुपया मुआवजा भी देंगे। इस तरह के गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और हमारा तो हमेशा कंसंट्रेशन रहा है और फोकस रहा है कि किस तरह से जो मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर्स हैं या फिर जो डिलीवरी करते हैं उनकी गिरफ्तारी हो, और उसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हम अपील करने आए थे अपने साथियों से कि अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग वहां चले। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में, आपके साथ निजाम समीर। देखिए, बीते दिनों मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में नया आपको अपडेट बता दे, मद निषेध मंत्री बिहार सरकार मुजफ्फरपुर पहुंचे थे एक निजी होटल में, पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा प्रशासन से यहां पर चूक हुई है, जिसकी वजह से लेकर ये दो मौतें हुई जहरीली शराब से, इसकी जांच की जा रही है, जो भी इसमें जांच में पाया जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा जो इसमें मरे हुए लोग हैं उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुआवजा के रूप में 4-4 लाख रुपया भी दिए जाएंगे। तो पूरे मामले को लेकर जो मद निषेध मंत्री है क्या कुछ बता रहे हैं, पहले वो सुनिए। देखिए, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं तो हमारी भी पुलिस पदाधिकारियों से बात हुई है, तो कहीं ना कहीं तो चूक जरूर रही होगी, तो वो तो एक अनुसंधान का विषय है और जांच का विषय है। लेकिन इस केस में कुछ जो लोग हैं जिन पर FIR हुआ और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, और जहां तक मृतक परिवारों का प्रश्न है तो उनके परिवारों को जो आश्रित हैं, पोस्टमार्टम आने के बाद हम 4-4 लाख रुपया मुआवजा भी देंगे। और आपको बताना भी चाहेंगे कि इसके पूर्व में जो भी जहरीली शराब से मौतें हुई हैं तो अब तक लिए हम लोगों ने 148 आश्रित परिवारों को 5 करोड़ से ज्यादा रुपए माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए हैं। लेकिन हम लोग की जो निगरानी है वो सतत जारी है और एक्साइज विभाग, पुलिस विभाग इसमें कार्रवाई करता है। हम तो लोगों से भी अपील करेंगे कि इस तरह के गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और हमारा तो हमेशा कंसंट्रेशन रहा है और फोकस रहा है कि किस तरह से जो मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर्स हैं या फिर जो डिलीवरी करते हैं उनकी गिरफ्तारी हो। मुजफ्फरपुर में भी कई गिरफ्तारियां हुई, सजाएं भी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये घटना तो निश्चित रूप से अफसोसजनक है। और मृतक परिवार हम अपनी संवेदना भी प्रकट करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग का कार्रवाई जो है, हम लोग की कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी नेताओं से। और बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि 5 नवंबर को पटना में 11 बजे सुबह वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में एक संसद का आयोजन किया गया है, जिसका नाम हम लोगों ने भीम संसद रखा है। और उसका उद्देश्य है कि जो संविधान में उत्पन्न खतरा अभी नजर आ रहा है राजनीतिक तौर पर, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, ये मुद्दा रहेगा। और उसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हम अपील करने आए थे अपने साथियों से कि अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग वहां चले और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि हर जगह जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने विकास का जो काम किया, सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक विकास किया है, समावेशी विकास किया है, उसके बारे में भी और जितनी स्कीमें चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में भी लोगों को बताएं। और समाज के हर तबके के लिए उन्होंने काम किया है। और अभी आपने देखा होगा कि विकास मित्र का, टोला सेवक का, मार्कोस का, के मित्रों का, सभी का मानदेय भी 12,000 से 25,000 रुपये हुए हैं। तो उन लोगों में भी काफ़ी उत्साह है, कुछ लोग उनके भी मिले थे मुझे। लेकिन कुल मिलाकर हम सभी को आमंत्रित करने आए थे पार्टी की ओर से कि जी सर। और उन्होंने कहा, मंत्री ने फिर मंत्रिषद ने कहा से हमारी जो पार्टी है नवंबर से यात्रा निकाल रही है, जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर समीक्षा बैठक के लिए
मुजफ्फरपुर आए थे, जिसको लेकर हमने बैठक की है, और जहरीली शराब कांड मामले में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मृतक के जो परिजन है उनको 4-4 लाख रुपया दिए जाएंगे, और कहीं ना कहीं अधिकारियों से चूक हुई, जिसको लेकर ये बड़ा हादसा हुआ। सही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल का।